Okay, today we will learn about the names of the people or names of the places where something is done or something, you know, is held. So, do you know their names? Each of the following places has a name. Write the names in the blanks provided. और इनका नेम कहाँ पे लिखना है? इन ब्लैंक्स के अंदर. राइट द नेम्स इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड. ये आपको प्रोवाइड की हुई है इन्होंने. ओके, अ प्लेस वेयर मंक्स लिव. मंक्स कौन होते हैं? अब पहले मैं आपको मंक्स का बताऊं कि हु इज अ मंक. ओके, आई शुड टेल यू हु इज अ मंक. मंक इज अ, पढ़ते कैसे हैं? MONK, मंक. मंक जो होता है ना, वो एक रिलीजियस टाइप का पर्सन होता है. रिलीजियस कौन होता है? जो रिलीजन के साथ ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, आम लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता. जैसे आप लोग कपड़े पहनना, ये करना, वो करना एंड गेम्स खेलना, इधर उधर जाना, उसको पसंद करते हो. सोशलाइज होते हो, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हो. लेकिन ये जो मंक्स होते हैं ना, ये रिलीजियस लोग होते हैं. ये दे वॉन्ट टू यू नो स्पेंड देयर टाइम लाइक इन द मोनास्ट्रीज. कहाँ पे लाइफ गुजारते हैं? मोनास्ट्रीज, MONAS. क्या पढ़ेंगे? मोनास्ट्रीज. अगर एक होगी तो TRY लिख देंगे. यहाँ पे Y आ जाएगा और ये दोनों चीज़ें हट जाएंगी. मोनास्ट्रीज, तो ये जहाँ पे रहते हैं ना, उसको खानकाएँ कहते हैं या मोनास्ट्रीज कहते हैं, क्योंकि ये लोग मोनास्ट्रीज के अंदर रह के हर वक्त इबादत करते रहते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? मोनास्ट्रीज. आपने क्या लिखना है? मोनास्ट्रीज. अ प्लेस वेयर हॉर्सेज आर कैप्ट. कहाँ पे हॉर्सेज रखे जाते हैं? डू यू हैव स्टेबल्स? स्टेबल्स, STABLES, स्टेबल्स. हम उर्दू में उसको अस्तबल भी कहते हैं, जहाँ पे वेयर वी पुट द हॉर्सेज. हॉर्सेज आर कैप्ट, सारे जो घोड़े हैं वहाँ पे रखे जाते हैं. अच्छा, एक मैंने ना एक दफ़ा देखा कि हॉर्सेस जो है वो ख़ुद से ओपन भी कर लेते हैं उनको, स्टेबल्स को. और मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे हो सकता है कि एक घोड़ा समझदार हो, उसको पता हो कि ओपनिंग कहाँ से हो रही है या मुझे बाहर कहाँ से निकलना है. तो एक हॉर्स, यानी मैंने ऐसा भी देखा, ही वॉज सो क्लेवर दैट ही कुड ओपन द डोर ऑफ द स्टेबल्स. अ प्लेस वेयर मनी इज प्रिंटेड और कॉइंड. कहाँ पे की जाती है? मिंट, MINT, मिंट. इसको मिंट कहते हैं. अब इसको याद भी रखना है कि जहाँ पे मनी प्रिंट होती है, जहाँ पे मनी बनती है, उसको क्या कहते हैं? मिंट. अब यहाँ से मुझे एक जोक भी याद आ रहा है, बट आई विल नॉट टेल यू. देर वॉज अ मैन हु वॉज वॉन्टिंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, एंड वंस अ फ्यू पीपल सेड दैट ओके वी हैव अ मैजिक, सो यू कैन ब्रिंग योर 1 lakh रुपीज़ एंड आई विल मेक इट इंटू 2 lakh. And he, you know, got his whole amount and got it to him, but he was just ruined out of his money. उसके साथ फिर fraud हो गया था. तो mint जो है वो क्या है? A place where money is printed or coined. Coined की जाती है या print की जाती है. Coins किसको कहते हैं? Coin. वो जो छोटे छोटे सिक्के होते हैं ना, उसको coins कहते हैं. क्या कहते हैं? Coins. 1 rupee का सिक्का, 2 rupee का थोड़ा सा बड़ा होता है, और 5 rupees का एक सिक्का होता है, उसको क्या कहते हैं? कॉइन. व्हाट इज कॉइन? वेयर मनी इज प्रिंटेड और कॉइन्ड. द होम ऑफ अ लॉयन. लॉयन का होम क्या होता है? डेन. व्हाट इज डेन? लॉयन कहाँ पे रहते हैं? डेन के अंदर. इधर तो अब डेन नहीं है. द होम ऑफ अ बर्ड, ये तो पता है ना, नेस्ट. द होम ऑफ अ बर्ड, नेस्ट. द होम ऑफ बीस. What do we call a place where bees live? ये देखें, उर्दू में तो इसको छत्ता कहते हैं, तो क्या कहेंगे इसको? Where bees are put. फिर बोलें the home of bees, इसको क्या कहते हैं? Hives. इसको क्या कहते हैं? HIVES, hives. Hives किसको कहते हैं? छत्ते को. Home of bees क्या होते हैं? यानी जहाँ पे वो मक्खियाँ शहद की रहती हैं ना, होम ऑफ बीज, उसको क्या कहते हैं? हाइव्स.
और हाइव्स बड़ा सा ऐसे होता है, उसके बीच में छोटे 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 घर बने हुए होते हैं और उसके अंदर वो हनी बनाती हैं, और जब इसको तोड़ा जाता है ना तो ऐसे दबाते हैं तो नीचे बाल्टी रखते हैं और उसके अंदर सारा जो है वो क्या उसको कहते हैं, हनी निकलता है, शहद निकल के बाहर आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, हाइव्स। हाइव्स के अंदर बीज रहती हैं, ठीक है ना। ड्रोन जो होती है वो बड़ी सी जो उनकी मलका मक्खी होती है ना उसको ड्रोन कहते हैं, और वो उनको गाइड करती है कि कैसे आपने काम करना है। उनके अंदर बड़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड आयरन्ड, ये तो पता ही होगा, आपकी मामा जहाँ पे वॉश करती हैं और आयरनिंग के लिए वो रखी हुई होती है आयरन, तो उसको क्या कहते हैं, लॉन्ड्री, LAUNDRY, लॉन्ड्री। अ प्लेस वेयर ब्रेड इज़ मेड, जहाँ पे ब्रेड बनती है उसको क्या कहते हैं, फिर सोचें अपने जेन के अंदर, अ प्लेस वेयर ब्रेड इज़ मेड दैट इज़ कॉल्ड बेकरी, ओके। अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, सोल्जर्स कहाँ पे रहते हैं, यस यू शुड जस्ट, इसको क्या कहते हैं, बैरक्स, बैरक्स, बी ए, ऊपर वाले में लिखना था है ना, BARRACKS, बैरक्स, इनको क्या कहते हैं, जहाँ पे वेयर द सोल्जर्स लिव आर कॉल्ड एज बैरक्स, व्हाट दे आर कॉल्ड एज बैरक्स, एंड बैरक्स के अंदर क्या होता है, सोल्जर्स लिव देयर, ओके। सो व्हाट इट इज, व्हाट इट इज कॉल्ड, बैरक्स। अ प्लेस फॉर एथलेटिक, नो, द होम ऑफ अ रैबिट, रैबिट का कौन सा घर होता है उसको क्या कहते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड, वेयर रैबिट्स आर यू नो पुट, क्या कहते हैं, अ टाइप ऑफ केज यूज फॉर हाउसिंग द डोमेस्टिक यू नो स्पैरोज और सम काइंड ऑफ यू नो बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड हच, HUTCH, हच, व्हाट इट इज कॉल्ड, हच, HUTCH, हच, ओके। देन इज अ प्लेस ऑफ फॉर एथलेटिक एक्सरसाइजेस, ये तो बहुत ईजी है, आजकल तो इतने ज़्यादा खुले हुए हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जहाँ पे एथलीट्स जाते हैं। एथलीट्स कौन से होते हैं ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ATH, एथ बोलें, ATH, एथ लीट्स, LETES, एथलीट्स, या फिर अ प्लेस फॉर एथलेटिक एक्सरसाइजेस, एथलेटिक एक्सरसाइजेस, एथ एथलीटिक एक्सरसाइजेस, जहाँ पे एथलेटिक एक्सरसाइजेस की जाती हैं उसको क्या कहा जाता है, जिम, GYM, जिम। हेयर आई हैव मेड अ मिस्टेक, एथलीट्स, LETES, LETES, एथलीट्स, ओके। और जहाँ पे एथलेटिक एक्सरसाइज की जाती हैं उसको क्या कहते हैं, जिम। Then is a place where people go to watch plays. Watch करते हैं हमेशा, ये याद रखिएगा, जहाँ पे आप dramas वगैरह देखते हैं उसको to watch कहते हैं। Watch करने का क्या मतलब है, अपनी आँखें use करके fixed एक focus करके कोई चीज़ आप देखते हैं ना उसको watch करना कहते हैं, और ये ज़्यादातर TV के लिए और plays के लिए use होता है। लेकिन जब आप cinemas में जाते हैं, आजकल तो नहीं जाते और अच्छे बच्चे तो वैसे भी नहीं जाते cinemas में, या फिर कहीं पे आप कोई मैच देखने स्टेडियम में जाते हैं तो उसको कहते हैं आई विल गो टू सी द मैच, आई विल गो टू सी द मैच, तो सी उसके लिए। और जब आप कहते हो कि माई फ्रेंड हैज़ सेंट मी अ फोटो, लुक एट इट, तो उसके लिए हम कहते हैं लुक एट इट। जब आप किसी को कहते हो आंखें फेर के ज़रा मेरी तरफ देखो, उसके लिए आप कहते हो उसकी तवज्जो चाहते हो, तो आप कहते हो लुक एट इट। और जब आप किसी से मिलते हो तब भी सी कहते हो, क्या कहते हो, सी। जब कोई बंदा बीमार है आप कहते हो सी द डॉक्टर इन द इवनिंग, डॉक्टर को चेक करवाओ। तो ये वॉच, सी और लुक बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन इन सब के मीनिंग्स या फिर थोड़ा सा यूज़ डिफरेंट है। यू यूज़ वॉच फॉर टीवी प्ले, एंड यू यूज़ सी फॉर सीइंग अदर पीपल, मिलने के लिए, सीइंग अदर पीपल। जैसे आप कहते हो आज मैं अपनी आंटी को मिलने के लिए जाऊंगा, आप कहते हो इन द इवनिंग आई विल गो टू सी माय आंटी,
टू सी आंटी का मतलब है मिलने के लिए, और सिनेमाज में पिक्चर देखने जा रहे हो तब भी कहोगे आई विल गो टू सिनेमा टू सी दिस मूवी। और जब कोई बंदा आपको तस्वीर भेजता है और आप कहते हो लुक एट इट, अब मैं आपको बार बार कहती हूँ कि लुक एट दिस पेज, तो लुक का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखें, लुक एट दिस पेज, आई एम ऑन नंबर 12 लाइन, अ प्लेस वेयर पीपल गो टू वॉच प्लेस, दिस इज कॉल्ड सिनेमा, दिस इज कॉल्ड थिएटर, थिएटर भी कहते हैं वैसे, टी एच ई ए टी ई आर, थिएटर। अच्छा, कहने में अब इसकी आपने प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत नहीं करनी, टी एच ई थी थी ए एक की आवाज़ निकलनी चाहिए, थिएटर, हाउ वी विल प्रोनाउंस इट, थिएटर। ओके, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल, नाउ यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम गिविंग लेक्चर बाय माई सेल्फ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव एंड आई डोंट गेट सेटिस्फाइड विद अदर पीपल।